हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दक्षिण स्वाद। आप सब कैसे हो? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पायसम यानी कि घीर का रेसिपी लेकर आई हूँ, और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे नारियल का घीर यानी कि टेंडर कोकोनट पायसम। इसको इलनीर पायसम भी कहते हैं। ये हम ठंडा ठंडा सर्व करते हैं, इसीलिए ये समर के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, और इसका टेस्ट जो है आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलो रेसिपी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चा नारियल लिया हुआ है, टेंडर कोकोनट जो है वो लेके आई थी मैं मार्केट से। तो मैं यहाँ पर अभी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही लिया हुआ है। तो मैंने इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। और इसमें जो फ्लेश है, जो नारियल है, जो कच्चा नारियल है, वो भी हम एक स्पून की मदद से ना हटा के निकाल के साइड में रख देते हैं। ये वैसे तो पायसम यानी कि घीर जो भी है हम गरम गरम खाते हैं, लेकिन ये वाला जो पायसम है ये बिल्कुल फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद खाया जाता है। बहुत ही एक हेल्थी रेसिपी है ये, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक हेल्थी रेसिपी है, स्पेशली समर के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर एक 1/4 कप नारियल लिया हुआ है, हमें नारियल का दूध चाहिए इसीलिए, और उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह ग्राइंड करके ले लिया है। अब उसको हम छान लेते हैं। तो नारियल के दूध के बजाय आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, और या दोनों नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इससे हमारा पायसम जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नारियल का दूध यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर कुछ काजू और बादाम को भी चॉप करके रख दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो तो ये अभी हो गया है, इसको मैं छान लेती हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप 2 ग्लास दूध ले रही हूँ। इसको हमें अच्छी तरह बॉईल करके ना हाफ क्वांटिटी होने तक इसको बॉईल करना है। बीच बीच में ना आप इसको हिला के दे दीजिए, अच्छी तरह एक बार स्टिर कर लीजिए। चीनी यूज़ कर रहे हो तो आप दूध में आप इस वक्त चीनी डाल सकते हो, लेकिन बेटर होगा आप चीनी के बजाय गुड़ यूज़ कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आप चीनी भी अवॉइड कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तभी चीनी डालिएगा अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हो। और अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो आप दूध में थोड़ा सा 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल के भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिशनल टेस्ट चाहिए तो आप नारियल का दूध ही यूज़ कीजिएगा। तो अब दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमने जैगरी सिरप बना के रखा था, गुड़ का जो सिरप बना के रखा था, उसमें से 5 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें। वो आप बाद में भी चाहे तो एडजस्ट करके डाल सकते हो अगर आपको स्वीट और चाहिए तो सारा अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लीजिए। और ऐसे ही हम इसको ना गैस पे 1-2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, थोड़ी देर और 1-2 मिनट के लिए और बॉईल होने देंगे। और ये जो दूध है इसको अच्छी तरह ठंडा होने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें इलायची जो है थोड़ा सा पाउडर करके वो भी डाल दिया है। तो मैंने इलायची को उसके छिलके के साथ ही डाल दिया है, बाद में मैं उसको हटा दूंगी छिलके को। तो ये अच्छी तरह अभी बॉईल हो गया है।
अब इस अच्छी तरह मिक्स भी हो गया है, तो अब इसको हम ठंडे होने के लिए रख देते हैं, अच्छी तरह ठंडा होना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जब तक दूध जो है ठंडा होता है, हम यहाँ पर हमने जो काजू और बादाम लिया था उसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे से पैन में घी ले लिया है, 1.5 चम्मच घी डाल दिया है। वो घी का क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर काजू और बादाम चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। आप चाहे ना तो नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके उसको भी फ्राई करके डाल सकते हो, किशमिश है वो भी डाल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर काजू और बादाम ही ले रही हूँ और कुछ नहीं ले रही। अच्छी तरह इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके इसको भी हम साइड में हटा के रख देते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम साइड में हटा के रखने के बाद, दूध भी ठंडा होने के बाद सारा हम मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हमें गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूध जो है अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है और जो इलायची के छिलके थे वो भी मैंने हटा दिए हैं। अब इसमें हमने जो नारियल का दूध लेके रखा हुआ है, जो नारियल का दूध हमने निकाल के रखा हुआ था वो इसमें डाल देते हैं। ये फर्स्ट मिल्क है नारियल का, जो थिक मिल्क हमें मिलता है वो है। तो वो अच्छी तरह दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त गैस ऑफ है, गैस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस वैसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, दूध हमने ठंडा कर लिया था उसमें हमने नारियल का दूध डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमने जो नारियल का पानी लेके रखा हुआ था वो मैं सारा नहीं डाल रही, सिर्फ 3-4 चम्मच ही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच डाल दिया है, तो इतना काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो ना तो डाल सकते हो। जैसे अगर आप मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा और थिक जो पायसम है वो मिलेगा, तो आप थोड़ा और नारियल का पानी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ना जो हमने टेंडर कोकोनट जो होता कच्चा नारियल था उसको मैंने बिल्कुल चॉप करके रखा हुआ था। आप चाहे तो इसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड भी कर सकते हो हल्का सा। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है, वो भी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपको स्वीट और चाहिए तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हो। चीनी गुड़ जो भी आप डाल रहे हो इस वक्त आप चेक करके आप यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ उसमें स्वीट वगैरह, तो स्वीट बिल्कुल परफेक्ट है, अब और डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इस वक्त गुड़ का जो सिरप है वो और ऐड कर लीजिएगा। अब हमने जो फाइनली जो हमने काजू और बादाम घी में जो रोस्ट करके रखा हुआ था वो भी इसमें डाल के सर अच्छी तरह मिक्स करके ले लेते हैं। वैसे आप चाहे तो सारा इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के बाद, हमने सिर्फ दूध गर्म करने के लिए गैस ऑन किया था उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हो तो दूध ले लीजिएगा, 1 या 1.5 ग्लास दूध ले लीजिएगा, 1 या 1.5 ग्लास दूध ले लीजिएगा। उसमें कंडेंस मिल्क मिक्स करने के बाद ना आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रख सकते हो, गैस भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से ये पायसम तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें इसको फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद ही हमें इसको सर्व करना है। तो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी बना था ये पायसम जो है। इतना टेस्टी है कि आप बना के देखिए तभी आपको पता चलेगा कि इसका रियल टेस्ट जो है वो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इलानीर पायसम, टेंडर कोकोनट पायसम या फिर कच्चे नारियल का घीर। तो एक बार ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का रेसिपी। तो ऐसे ही ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।